everyone. Today we are going to know about seasons. So let's start. In India, we experience different types of seasons. भारत में हम कई प्रकार के मौसम का अनुभव करते हैं. We experience five different types of seasons. यानी कि हम पांच प्रकार के seasons का अनुभव करते हैं. And the first one is summer season. The second one is winter season. The third one is rainy season. And the fourth one is autumn season. And the last one is spring season. तो चलिए जानते हैं that what is summer season. We have a warm season which is called summer. हम गर्मी के मौसम को समर कहते हैं. In many parts of India, we have the summer season in the months of April, May and June. भारत के कई हिस्सों में गर्मी का मौसम अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में होता है. In summer season, the days are long and the nights are short. यानी कि गर्मी के मौसम में दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती हैं. Hot winds blow during the day. गर्म हवा दिन भर में चलता है. To protect ourselves from a heat stroke, we must drink lots of water, liquids like lassi, fruit juices, lemon water and etc. खुद को गर्मी से बचाने के लिए हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए और लिक्विड जैसे कि लस्सी, फल का रस और नींबू पानी पीना चाहिए. Now, let's talk about winter season. When it is cold, we call it winter. यानी कि जब ठंड का मौसम होता है, तब उसे हम winter season कहते हैं. The winter season is experienced in the months of November, December and January. यानी कि ठंड के मौसम को हम नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में अनुभव करते हैं. Cold winds blow during winter. यानी कि ठंडी हवा विंटर के दौरान चलती है. During winters, it is cold throughout the day. यानी कि ठंड के मौसम में दिन ठंडा होता है. The days are short and the nights are long. दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं. People cover themselves with woolen cloths like jackets, sweaters, shawl, gloves, mufflers, woolen caps. यानी कि जितने भी इंसान होते हैं वे अपने आप को ऊनी कपड़ों से ढकते हैं जैसे कि जैकेट, स्वेटर, शॉल, ग्लव्स, मफलर और टोपियों से. During winters, we enjoy drinking hot drinks like soup. यानी कि विंटर के दौरान हम गरम गरम ड्रिंक्स जैसे कि सूप का आनंद उठाते हैं. Now, let's talk about autumn season. यानी कि पतझड़ का मौसम. This season sets in the months of September and October. यह मौसम सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में होता है. Trees shed their leaves during this season. यानी कि पतझड़ के मौसम के दौरान पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं. The weather is pleasant. जो वेदर होता है वो बहुत ही सुहाना होता है. Now we will talk about rainy season. यानी कि बारिश का मौसम. The rainy season sets in after the hot summer months. यानी कि जो बारिश का मौसम है वो गर्मी के मौसम के बाद आता है. India gets rain in the months of July and August. यानी कि भारत में बारिश जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में आता है. There is greenery everywhere. हर जगह हरियाली होता है. River, lakes, ponds and other water bodies fill up with water. यानी कि नदी, तालाब हर जगह पानी से भर जाता है. We must carry a raincoat or umbrella and avoid getting wet. हमें raincoat या फिर umbrella को हमेशा लेकर के चलना चाहिए ताकि हम भीगने से बच जाएं.
तो चलिए अब जानते हैं दैट स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु क्या होता है। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च जस्ट बिफोर द समर सेट्स इन वी एक्सपीरियंस द स्प्रिंग सीजन। यानी कि फरवरी और मार्च के महीनों के दौरान गर्मी के तुरंत पहले हमें स्प्रिंग सीजन का अनुभव होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन फ्लावर आर इन फुल ब्लूम। इस सीजन के दौरान फूल पूर्ण तरीके से खिले हुए होते हैं। द गार्डन्स हैव ब्यूटीफुल एंड रेयर फ्लावर्स विच आर अ ट्रीट टू वॉच। बगीचों में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुहाने लगते हैं। द वेदर इज वेरी प्लेजेंट इन दीज मंथ्स। जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहाना होता है इस महीने में। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।